सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे कारगर राजनीतिक हथियार पर प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी भी हो तो आप उसकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि हमने बार बार देखा है दोस्तों, बुलडोजर चलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों पर, बुलडोजर चलता है तो सिर्फ माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों के घरों पर, मगर दूसरी तरफ बुलडोजर उन पर कभी नहीं चलता जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी होते हैं, नेता होते हैं या फिर समर्थक होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों कह रहा है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने मैं कुछ चेहरे पेश करने वाला हूं। इन पर गंभीर आरोप थे, आरोप सिद्ध भी हुए, मगर किसी पर भी बुलडोजर नहीं चला। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, इन तीनों पर आरोप है आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का। इन तीनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कैंपेनिंग में किया, मगर मजाल है इनके घर पर बुलडोजर चला हो। गुरमीत राम रहीम, इन पर आरोप सिद्ध हो गया है, इनके बचाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज से लेके पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से लेके तमाम लोग आए, मगर क्या इन पर बुलडोजर चला? नहीं, भाजपा इन्हें बार बार परोल पर रिहा करती है। कुलदीप सिंह सेंगर, इस व्यक्ति ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, मगर क्या इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला? नहीं चला। प्रज्वल रवन्ना, इसके ढेरों वीडियोज हैं, प्रमाण है, मगर क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी सहयोगी है कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस की बाकायदा चार्जशीट है, पहलवानों की गवाही है, मगर इनके घर पर भी बुलडोजर नहीं चला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पर कहा है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज में भय पैदा करना, और यही बात राहुल गांधी ने कही है कि बुलडोजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों में भय पैदा करना चाहती है। मगर आज मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील कि सिर्फ बुलडोजर नहीं, आपको नफरती भाषणों पर भी गौर करना पड़ेगा। गौ रक्षा